गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और morning. आज है इसका बर्थडे. हैप्पी बर्थडे गुनू. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे बोल दीदी को. बोल दिया था मैं. कब? सुबह. अच्छा बोल दिया है. तो बस मैं तो नहा धो के सब तैयार हो चुकी हूँ. देखिए मैंने कपड़े यहाँ पे सुखाने के लिए डाले क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और देखिए तार बांधा था पूरे कपड़े वपड़े. ठीक है कोई बात नहीं सूख जाएंगे और अभी जाएगी नहाने जफटाफट से नहाने और फिर अपना काम करते हैं. चाय मैं आज घर में. अच्छा तो गीले हुए गीला हो रखे कैसे पहनेगी इनको. नहा के आ गए हैं मतलब ये नहा लिए. भतीजी भी नहा के आ रही है अपने वहाँ से. तो बोल चाची अदरक वाली चाय बना दो कल रात वाली जो कल रात बनाई थी वैसी करके. तो मैंने बोला ठीक है बना देती हूँ. तो ये तो पीती है चीनी वाली लेकिन हम लोग पियेंगे मैं और मेरी भतीजी पियेंगे गुड़ वाली. और देखिए हमने कल मेहंदी लगाई थी कैसी लग रही. अभी डार्क नहीं उतना कलर आया है सिंपल सी लेकिन अच्छी सी. बाहर बारिश आधे कपड़े मैंने बाहर डाल टांग के मतलब डाले हुए बारिश हो रही है. आवाज़ आ रही होगी. अच्छा दिक्कत तो है नहीं उतनी. मैं सच में बहुत अच्छा हो गया है. कल मैं लेके आई थी शिमला मिर्च छोटी वाली ये वाली देखिए शिमला मिर्च है. ये हमारे लोकल से यहाँ के जो बोते हैं ना उगाते हैं ये वहाँ से लग रही है. छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत तीखी होती है. एक तो होती है बड़ी सी कद्दू जैसी शिमला मिर्च लेकिन वो नहीं ये ना बहुत अच्छी होती है तीखी तीखी और टेस्टी टेस्टी. मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी तीखी तीखी मिर्च की तरह आ रही है. तो बस यहाँ पे चाय का पानी रख दिया है और यहाँ पे अदरक मतलब अदरक को देख के लगता है कि ना सर्दियाँ आने लग गई करके. और अच्छा लग रहा है कि अदरक आ गया मार्केट में. वैसे पता नहीं आता ही होगा लेकिन हम तो कभी दिया नहीं मतलब गर्मियों में. और ये भी नहा धो के आ चुकी है. क्या हुआ इतनी उदास उदासी क्यों आ रही है तू. मंदिर. ये मंदिर कहाँ बारिश में तैरते हुए जाओगे. नहीं वो क्या बोलते हैं छाता लेके और देखेंगे अभी बरसात कम होगी तब. बरसात छीटे अन्यथा नहीं जाओगे. ठीक है चलो फिर चल मैं चाय बनाती हूँ. चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में. मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च काट लिए थे आलू भी छील लिए थे. थोड़ा कद्दू था ना बच्चों ने कहा था हम शिमला मिर्चा नहीं खाएंगे तो उनके लिए कद्दू बना दिया. देखिए सिंपल से मेथी जीरा डाला और धनिया और हल्दी नमक डाल के बना दिया. दूसरी कढ़ाई में अपने लिए शिमला मिर्चा की सब्ज़ी बनाऊँगी. जीरा डाल दिया था प्याज डाल दिया था तब थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा मतलब भुन गया था. जो शिमला मिर्च थी वो डाल दी थी और ना मैंने ऐसे मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती लेकिन अब मैं आपको क्या ही बताऊं क्योंकि खाना सब्ज़ी मैंने खाई थी इसलिए मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा इसमें ना मिर्च हो गई थी. बहुत टेस्टी लेकिन बन गई थी. और कोई ऐसी मैंने लाल मिर्च कुछ भी नहीं डाली थी. थोड़ा सा मतलब हम मसाला डाल दिया था. यहाँ पे कद्दू ना मेरा बन के तैयार हो चुका है कढ़ाई में. देखिए छोटी सी कढ़ाई में आप देख सकते हैं कि छोटी कढ़ाई उसमें भी सब्ज़ी इतनी कम हो गई गल गल के. और फिर आलू डाल दिए शिमला मिर्ची भुन गई थी फिर डाल देते आलू और हल्दी धनिया और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दी कलर के लिए. और बस इसको मिक्स करके उसके बाद ढकने के लिए पकने के लिए छोड़ दी थी. और फिर सब्ज़ी वब्जी बन गई थी. देखिए फिर इसमें थोड़ा सा मैंने हल्का सा गर्म मसाला डाला ज़्यादा नहीं. और फिर गैस वैस कर दी थी मैंने बंद. और सच में ना मैं फिर दोबारा फिर कहना चाहूँगी कि सब्ज़ी ना सच में बहुत वाली टेस्टी बनी थी. और यहाँ पे बच्चे चले गए मंदिर क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है. दोपहर का ना 11 बज रहा है अभी. तो बस ये चले गए थे. इनके जाने के बाद फिर मैंने खाना बोलूँ लंच ब्रंच जो भी होता है ब्रेकफास्ट वो कर लिया है. थोड़ी कद्दू ली थोड़ा शिमला मिर्च सब्जी ज़्यादा लिया बस वो चले गए थे तो मैंने खाना भी खा लिया था. अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को. शाम के बज रहे अभी 5:30 और यहाँ पे देखिए हो रहा है डेकोरेशन और बाहर लगी है. चल एक शौक उसको भी एक उसको दे बाकी तू फुला लेना. एक भैया को दे बाकी तू फुला लेना. कोमल एक तू फुला भाई गुंजन को दे देना. हाँ इसमें हवा कम है क्यों. अरे वो फूट पता नहीं चलो चलो लड़ाई नहीं करो फुलाओ. और मैं अपना किचन में काम करती हूँ. मैं बना रही थी पास्ता कुछ नहीं बना रही बस. तो बच्चों ने कहा पास्ता और खीर बना रहे हैं. वैसे ऊपर को कर दो बाल दिया है सारा प्याज प्याज टमाटर कट कर दिया है. तो बच्चों को जल्दी बनाऊंगी. तैयारी बर्थडे की तैयारी फिलहाल हो चुकी है.
डेकोरेशन हो चुका है, यहाँ पे टेबल और फ्लावर लगा दिए हैं, तो हम लोग भी तैयार हो चुके थे। कुर्ता साड़ी पहने, देखिए कैसी लग रही, प्लीज़ बताना। और 7:25 ठीक टाइम हो गया ना, तो ठीक है बस थोड़े में केक कट करते हैं। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है, खुश रहना। और यहाँ पे बेटी ने केक कट कर लिया, केक कट करके ना उसने पहले अपनी दीदी को खिलाया, फिर उसकी दादी माँ ने बोला बर्थडे तेरा है तो कोमल तुझे खिलाएगी करके, और हमको भी ना बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, देखे फिर कोमल ने ना अपने मुंह में केक वैसे ही रहने दिया, उसको होगी मैं खाऊं कि क्या करूं, फिर उसने पहले उसे गुंजन को खिलाया, तो हम सबको इतनी हंसी आ रही थी, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तूने उसे खिलाया उसने तुझे खिलाया एक ही बात है। और फिर आगे देखिए उसके दादी माँ, उन्होंने भी केक खिला दिया, छोटी बेबी को पकड़ने की जिद करी थी वो, फिर छोटी बेबी को पकड़ के उसने छोटी बेबी को केक खिलाया, और उसके बाद दादाजी ने उसको टीका लगाया, उसके उसके सिर पे फूल रखे, आशीर्वाद दिया और केक खिलाया, उसके बाद कोमल ने भी उसे गिफ्ट दिया देखिए, और फिर दादाजी ने उसको आशीर्वाद दिया, और फिर उसकी चाची ने भी उसे केक खिलाया, और देखिए दादी यहाँ पे शगुन दे रही है उसको। और हम लोग ना सिर्फ घर के लोग थे, जो हमारी फैमिली वही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, और जो हमने पहले अल्फ़ाबेट्स आपने देखे होंगे ना फुलाए थे हैप्पी बर्थडे वाले, फिर वो नहीं लगाए क्योंकि उसमें दो अल्फ़ाबेट फूटे हुए थे, मतलब फटे थे, तो हवा नहीं थी उस पर, तो हमने कहा रहन देते हैं, सिर्फ बलून लगा देते हैं, वहाँ पर सिर्फ गुब्बारे हमने लगा दिए थे। और बस केक वेक खाने के बाद बच्चे चले गए अपना गिफ्ट खोलने, तो मतलब से केक, इन्होंने केक, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई और समोसे खाए थे, तो जो मैंने पास्ता वास्ता बनाया था मैंने बोला खा लो, तो इनका था कि नहीं पहले हम अपना जो भी मतलब दीदी ने बोलती जो मेरे को गिफ्ट दिया है तो मैं गिफ्ट खोलते हैं, पहले देखिए चॉकलेट दी थी कोमल ने उसको और पेन दी थी, और सभी ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों तो स्पेशली क्या देखे कितना उसको अच्छा मान ली दीदी को अपने, और यहाँ पे चारों भाई बहन बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ना बेटा बना रहा है वीडियो, और बस यहाँ पे मतलब ना बहुत अच्छा वाला बर्थडे हो गया था। गुड मॉर्निंग, और मैं जा रही हूँ बेटे को छोड़ने, कल ना मैंने फिर कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, तो हो रही बारिश और स्कूल अभी थोड़ा दूर और है, तो सुबह के बज रहे अभी 7, तो चलते हैं स्कूल को, और आप लोग कहाँ कैसा मौसम हो रहा है जरूर बताइए, बोलो हाय बोलो, इसने रेनकोट नहीं डाला फिर भी बारिश हो रही है, भीगेगी, फिर चलते तो उमस होगी, इसलिए रेनकोट उसने उतार दिया, अभी हम से चढ़ाई है पूरा, तो चलती हूँ मैं थोड़ा और ऊपर, ठीक है। मैं घर पहुंच गई बेटी को छोड़ के आ गई हूँ, तो ना जो बस जो घर जो छोटा मोटा काम बच जाता है बच्चों के स्कूल जाने का वो मैंने ख़त्म कर लिया है, और हो सकता है हमारे वहाँ को धूप आ जाएगी, और जो मेरे कपड़े कल से तार में टंगे, कल से नहीं 3-4 दिन हो गए बारिश आते आते, तो उनकी छत में धूप दिखाऊँगी, क्योंकि ना पंखे में सूखना धूप में सूखना बहुत बड़ा अंतर होता है, और थकाई ना बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि सुबह 6:30 बजे घर से निकल गई थी, 7:45 में घर पहुँची, उसके बाद फिर घर आके काम किया, 8:30 हो चुका है, तो अभी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, और फिर इसका ब्लॉग की एंडिंग भी करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा जरूर बताइए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।